जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। कभी ना कभी यह बात हमेशा हम लोग को सुनने को यह मिलता है कि हमारे धर्म, हमारे जात हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं, सबका जो ब्लड होता है वो सेम होता है। यह 100% सच है, लेकिन क्या सभी का ब्लड सेम होता है? यह बात सही है? कहाँ तक सही है? ठीक है, कलर सही है, कलर सभी का रेड ही होता है, लेकिन चलिए अब इसको हम लोग जानते हैं। इससे पहले अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपका, आपका भाई का और आपके पिता का और आपके माता का, आपको दोस्त का, सभी का जो ब्लड है वो अलग है। ठीक है, इसी को हम लोग ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं और इनके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ब्लड ग्रुप है एक इतना कॉम्प्लेक्स है, इनके बारे में स्टडी किसने किया होगा? और स्टडी किया होगा तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो कार्ल लैंगस्टर को कहा जाता है, जो कि अमेरिकन फिजिशियन साइंटिस्ट है। ठीक है, वो क्या किए थे, वो इनमें बहुत रिसर्च किए। ठीक है, और उन्हें दिया भी बहुत कुछ दिया। चलिए हम लोग जानते हैं रिसर्च कहाँ हुआ था। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में ये रिसर्च हुआ था। इसका अगर टाइम पीरियड की हम लोग बात करें तो 1900 से 1901 के बीच में हुआ था। और इसी काम के लिए, यह जो काम किया ब्लड ग्रुप में, इसी काम के लिए इनको नोबल प्राइज मिला था। कब? 1930 में इन्हें नोबल प्राइज मिला था। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था या स्क्रिप्ट लिख रहा था, एक जो बात था बहुत ही कॉमन था, वो था एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, जो कि शायद इस पूरे ब्लड ग्रुप का ही मेन पार्ट है। ठीक है, अगर भले ही नहीं दिखता होगा लेकिन अंदर का मेन पार्ट है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप में डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। जनरली ये दोनों ही एक प्रकार का प्रोटीन है, और एक जो है हम लोग एंटीजन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, यानी बाहर से आते हैं, जैसे वायरस हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जितने भी लोग होते हैं हमारे एंटीजन के ही कारण होते हैं। और उससे बचने के लिए, प्रिवेंस करने के लिए हमारे पास एंटीबॉडीज होता है। जैसे ही एंटीजन हमारे बॉडी में आता है और उधर से क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन अगर ब्लड में हम बात करें तो अभी तक हमने जाना कि जो एंटीजन होता है वो फॉरेन होता है, बाहर होता है, अपना नहीं होता। लेकिन ब्लड के सेंस में कुछ अपने एंटीजन भी होते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे दो एंटीजन के बारे में, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करें एंटीबॉडीज के बारे में तो यहाँ पर भी दो होते हैं, जिनको हम लोग ए कहते हैं और बी कहते हैं। इसको ए से या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं बी या बी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हमें समझना है, मैं आपको कुछ अपना इमेज दिखाने वाला हूँ ब्लड का इमेज, उससे आपको क्लियर होगा ब्लड ग्रुप पहचानने वाले में। ठीक है, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं एबीओ सिस्टम के बारे में, एबीओ सिस्टम ही कार्ल लैंगस्टर ने दिया था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी और ओ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस इमेज से समझते हैं कि क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ। जो अभी आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ, ये देखिए ए शेप का या ट्रायंगुलर शेप को हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है, ए बेसिकली एंटीजन है और ये हमारा जो है पूरे लाल कलर से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, डिसलाइक स्ट्रक्चर तो नहीं है लेकिन स्फेरिकल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है आरबीसी है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये एंटीजन आपको, ये एंटीजन इस पर है, हम अभी बताया कि एंटीजन दो होते हैं और जो ये एंटीजन होता है यही जो होता है वो हमारे ब्लड ग्रुप का निर्माण करता है। अगर किसी भी आरबीसी पर ये एंटीजन होगा तो वो हमारा ए ब्लड ग्रुप होगा। जैसे मैं इसको कह सकता हूँ ये हमारा ए ब्लड ग्रुप है। चलिए अब दूसरे को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे को बात करें तो आपको यह नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बी शेप का नज़र आ रहा होगा या स्फेरिकल शेप का। ठीक है, जैसे बी में ऐसे दिखता हूँ तो कुछ ना कुछ स्फेरिकल शेप उसमें आते हैं। ठीक है, तो ए जो हमारा ब्लड ग्रुप है ये हमारा बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और ए जो हमारा है ये हमारा बी एंटीजन है। तो अभी तक हमने देखा कि ये दोनों में अगर बात करूँ, ठीक है, ये दोनों में अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेंगुलर है और ए एंटीजन पा रहा है, यहाँ पर स्फेरिकल है और बी एंटीजन पा रहा है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर ए एंटीजन के कारण यह ब्लड ग्रुप ए हो गया और बी एंटीजन के कारण यह ब्लड ग्रुप हमारा बी हो गया। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा गोल भी है यानी बी एंटीजन भी है और ट्रेंगुलर शेप यानी ए जो है हमारा ए भी एंटीजन है। तो ए जो हमारा ब्लड है और ए बी है। ठीक है,
ये मैंने आपको अभी तीन देखा है, लेकिन एक और मैं दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, मीन्स यहाँ पर एंटीजन जीरो है। जब जीरो किस प्रकार से लगता है, जीरो अल्फ़ाबेट किस प्रकार से लगता है, ओ की तरह नज़र आता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर बात करूँ कि आपने अभी जितना भी देखा, अभी फिर से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपने इतना को देखा, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा होगा कि जिस पर जिस तरह का एंटीजन है वो हमारे ब्लड ग्रुप का निर्माण कर रहा है। जिस पर ए तरह का एंटीजन था वो ए ब्लड ग्रुप हो जा रहा था, जिस पर स्फेरिकल था यानी बी था वो बी ब्लड ग्रुप था, जिस पर कुछ नहीं था वो जीरो था यानी ओ था। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका निर्माण या उसका पहचान एंटीजन से होता है। अगर एंटीजन किसी में ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी है तो बी होगा, ठीक है, क्लियर है। करने वाले हैं एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जी ए नज़र आ रहा होगा और ए नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ए शेप का नज़र आ रहा होगा, इसलिए हम लोग इसे ए एंटीबॉडीज कहते हैं। और यहाँ पर स्फेरिकल शेप की नज़र आ रहा होगा मीन्स बी, इसीलिए हमको इसको बी एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। एंटीजन जहाँ पर ए होगा वहाँ पर एंटीबॉडीज बी पाए जाते हैं, और जहाँ पर एंटीबॉडीज बी होते हैं वहाँ पर एंटीबॉडी ए पाए जाते हैं। ए नोट पॉइंट में आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग इसको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा ब्लड ग्रुप ए है, इसके पास एंटीजन ए होते हैं, और यहाँ पर हमारा एंटीबॉडीज की अगर बात करें तो बी होते हैं। बी किस लिए होते हैं, ए बाध्य की। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एंटीबॉडी ए होता तो ये आपस में मिल जाते ऐसे कुछ इस प्रकार से, और एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेते, इसी के चलते यहाँ पर एंटीबॉडीज बी होता है, ठीक है। एंटीजन ए के पास एंटीबॉडीज बी होता है क्योंकि एंटीबॉडीज बी के पास स्फेरिकल शेप होता है और ए होता है ट्रेंगुलर शेप का, और ए कभी भी आपस में फ्यूज नहीं होगा। जैसे ही फ्यूज नहीं होगा तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, अगर रिएक्शन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है, ए हो गया। अब चलिए हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी मीन्स एंटीजन बी है। जब एंटीजन बी होता है तो एंटीबॉडी ए होगा, जब एंटीबॉडी ए होगा तो ये इसका ट्रेंगुलर शेप का है, ठीक है, और ए स्फेरिकल शेप का। ए तो आपस में कभी मिल नहीं पाएगा, जब नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पर भी फ्यूजन नहीं होगा, जब फ्यूजन नहीं हो पाएगा तो ये भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। ब्लड ग्रुप ए बी वह है जिसके पास एंटीजन ए भी पाए जाते हैं और एंटीजन बी भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते, ठीक है। अगर यहाँ पर एंटीबॉडीज कोई भी पाए जाते तो देखिए क्या होता। ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ए भी है और ये हमारे पास एंटीबॉडी बी है, ये रिएक्शन करके इसे क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अगर वहीं अगर एंटीबॉडीज ए पाए जाते हैं तो देखिए ये एंटीबॉडीज ए है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपस में रिएक्शन कर लेते तो ये क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेते। यही कारण है कि दोनों में से कोई भी एंटीबॉडीज इस ब्लड ग्रुप ए बी के पास नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। की बात करें जो हमारा ओ है, इसके पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए इसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अभी आपने यह देखा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी था उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं था। यही कारण है कि जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है, और जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज है। यही कारण है कि इसका बीमार पड़ने का रेशियो बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो हमारा एंटीबॉडीज है वो डिजीज से फाइट करने का काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको अगर यह समझ में आया होगा तो अभी जो आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाए जाते हैं, वहीं एंटीबॉडीज बी पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी की अगर बात करें तो एंटीजन बी पाए जाते हैं और वहीं एंटीबॉडीज ए पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी की अगर हम लोग बात करें तो एंटीजन ए बी पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज कोई नहीं पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ की अगर हम लोग बात करें तो एंटीजन कोई नहीं पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज ए पाए, वहाँ पर एंटीबॉडीज दोनों पाए जाते हैं। ये आपको चार्ट में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसको ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं और किसको ब्लड ग्रुप हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड को देता है उसको डोनर कहा जाता है और जो ब्लड को लेता है उसको रिसेप्टियन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, जो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें अगर
जो डोनेट कर सकता है, किसको किसको दे सकता है, तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और लेने की अगर हम लोग बात करें तो ए को और ओ को ले सकता है, ए और ओ से ले सकता है, ठीक है, ये क्लियर होगा। अब हम दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप बी के बारे में, ठीक है, तो ए किसको किसको दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। लेने की अगर हम लोग बात करें तो बी से और ओ से ले सकता है, ठीक है। और हम लोग बात करें ए बी की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ए बी किसको, ए बी से को ही दे सकता है, लेकिन लेने की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी से ले सकता है, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं वो सभी से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और साथ ही साथ ए से भी ले सकता है, ठीक है। अब ओ की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है हमारा ये और सभी इसको दे सकता है, लेकिन ले सकता है केवल ओ से, ठीक है। तो इसको आप लोग देखने के बाद एक चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज अभी तक हमने यह देखा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ए था वो ए और ए बी को दे सकता है, ठीक है, और ले सकता है ओ और ए से ले सकता है। वहीं ए बी की अगर हम लोग बात करें तो ए बी को दे सकता है और ले किससे सकता है, सभी से ले सकता है। सभी मीन्स क्या हो गए, ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप बी की तो ओ बी को दे सकता है, ठीक है, और ए बी को दे सकता है। लेने की अगर हम लोग बात करें तो ओ और बी को ले सकता है, ठीक है। ओ की अगर हम लोग बात करें तो डोनेट सभी को कर सकता है और ले किससे सकता है, केवल और केवल ओ से ले सकता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ नेक्स्ट आप लोग देखिए, यहाँ पर कुछ आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं, मीन्स आपके जो पापा या मम्मी का कॉम्बिनेशन होता है ब्लड ग्रुप का, वो कैसे आता है हमारे एंगल में, ठीक है। आरएच फैक्टर क्या है, ठीक है, आरएच फैक्टर कुछ नहीं है, इसमें भी एंटीजन पाए जाते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा कि एंटीजन ए और बी ही पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही आरएच फैक्टर आया यहाँ पर एक और एंटीजन जुड़ गया जिन्हें हम लोग डी एंटीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें आरएच फैक्टर कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी कार्ल लैंगिस्टर और एक और साइंटिस्ट है विनर नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने इसको डेवलप किया 1940 में, ठीक है। यह क्या करता है, यह ब्लड को आपने सुना होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इसको बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसका अगर हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो रेंसिक मंकी था, एक मंकी के रक्त को जो साइंटिस्ट है विनेगर, उनको स्टडी किया। सबसे पहले क्या किया, वो एक बंदर के से खून को निकाला और उसको स्टडी किया। उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा ब्लड था उसको सरफेस पर कुछ डी एंटीजन को मिला, वो उसका शेप की अगर हम लोग बात करें तो स्क्वायर शेप का कुछ मिला। तो उन्होंने देखा कि अरे अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन ये क्या नया चीज़ है। जैसे ही नया चीज़ देखा तो उनको एक्साइटमेंट बढ़ा और ढेर सारे बंदर को उन्होंने ब्लड निकाला और सेम प्रोसेस सभी में किया। जब सेम प्रोसेस सभी में ने किया तो देखा कि कुछ बंदरों में ये पाया जाता है डी एंटीजन और कुछ में नहीं पाया जाता है। अगर जिसमें पाया जाता है तो उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट ही दे दिया कि जिसमें डी एंटीजन पाया जाता है मीन्स स्क्वायर शेप को पाए जाते हैं तो वो क्या हो गया, वो आरएच पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आरएच पॉजिटिव मीन्स आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो गया, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो हो गया आरएच निगेटिव। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि बायो के टर्म में जहाँ पर कोई चीज़ होता है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, प्रेजेंट होता है कोई भी चीज़ उसको पॉजिटिव मानते हैं, और कोई चीज़ नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव के अनुसार से अगर एबीओ में ऐड किया जाए, एबीओ मीन सिस्टम, जिसमें चार ब्लड ग्रुप में हमने पढ़ा, ए पढ़ा, बी पढ़ा और ए बी पढ़ा और ओ बी पढ़ा, तो ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ए बी पॉजिटिव हो गया और ओ पॉजिटिव हो गया। चार तो ऐसे कॉम्बिनेशन बने और चार ऐसे बने, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ठीक है, और ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव, चार चार कितने हो गए, आठ कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने, ठीक है। और आठ जब कॉम्बिनेशन बने तो इसका कुछ अलग ही स्टडी करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए, आरएच की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन चार ही बनते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से डोनेट और रिसीव कर, आरएच प्लस होगा तो जैसे किसी को डोनेट कर सकता है तो केवल और केवल आरएच प्लस को ही डोनेट कर सकता है, ठीक है।
सेकेंड फैक्टर की अगर हम लोग बात करें कि RH प्लस किसी से रिसीव कर सकता है ब्लड, तो किससे रिसीव कर सकता है, वो दोनों ही फैक्टर से रिसीव कर सकता है, RH फैक्टर प्लस से भी और RH निगेटिव से भी। ठीक है, ये दो केस हुए, दो और केस बनते हैं। जब RH निगेटिव होता है मीन्स अब्सेंस होता है वहाँ पर डी एंटीजन, जब RH निगेटिव होता है तो डोनेट किसको कर सकता है, वो प्लस RH पॉजिटिव और RH निगेटिव को दोनों को डोनेट कर सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें RH निगेटिव रिसीव किससे कर सकता है, तो केवल RH निगेटिव से ही रिसीव कर सकता है, ये क्लियर होना होगा आपको। ठीक है, अब इससे अगर हम लोग बात करें, इस पर अगर हम जितने भी आठों ब्लड ग्रुप थे उनको हम लोग बैठा दें, पुट कर दें, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन तैयार होते। वैसे तो हम लोग बात करें तो 64 कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और आपको देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सभी को एक एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक नज़र आ रहा होगा कि इसको हम लोग पूरा जानने के बाद देख रहे होंगे कि जो हमारा ए बी पॉजिटिव था वो सभी को इससे ब्लड ले सकता है, सभी को इससे ब्लड ले सकता है, लेकिन जो ओ निगेटिव था वो सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो ए बी प्लस को हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टियंट कहते हैं और ओ माइनस को हम लोग, ओ निगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। जो ओ निगेटिव होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन तो गाइज RH फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो पेरेंट्स टू बेबी में भी टोटल चार केस के बनते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट केस में अगर हम लोग बात करें तो मदर भी पॉजिटिव और फादर भी पॉजिटिव, तो जो बेबी बनता है वो भी पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड केस की अगर हम लोग बात करें तो मदर भी नेगेटिव, फादर भी नेगेटिव और जो बेबी बनता है वो भी नेगेटिव। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो मदर नेगेटिव, फादर पॉजिटिव, तो जो बेबी बनता है वो भी पॉजिटिव। ठीक है, और फोर्थ में हम बात करें तो मदर पॉजिटिव, फादर नेगेटिव और जो बेबी बनता है वो क्या होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। इन चारों केसों के देखने के बाद आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा होगा, वो क्या है कि जहाँ पर भी मदर या फादर दोनों में से किसी में भी अगर पॉजिटिव साइन आपने देखा, RH पॉजिटिव देखा, तो जो ब्लड था बच्चा में वो भी क्या हो जा रहा था, पॉजिटिव हो जा रहा था। ठीक है, तो गाइस जैसे ही प्रेगनेंसी होता है उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा होता है या स्पर्म होता है, जाइगोट होता है, वो यूट्रस में ही डेवलप करता है। तो यूट्रस कहाँ है, वो तो मेल फीमेल में है। ठीक है, फीमेल मींस मदर में है। तो जो पूरा प्रोसेस होता है बच्चे को डेवलपमेंट करने का वो कहाँ होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो फादर का ब्लड ग्रुप था उसको एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट में क्या था, मदर पॉजिटिव तो बेबी भी पॉजिटिव, मदर नेगेटिव तो बेबी भी निगेटिव, अब मदर पॉजिटिव तो फिर बेबी निगेटिव। लेकिन ये जो लास्ट के सबको नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ अलग नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या है कि मदर तो निगेटिव है लेकिन जो बेबी है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं और इसको बारे में हम लोग कि जो RH था वो मदर और बेबी का सेम था, लेकिन जो चौथा आपने देखा लास्ट में दोनों का डिफर कर रहा था, मदर का कुछ और बेबी का कुछ और, मदर का निगेटिव था लेकिन बेबी का पॉजिटिव था। तो यहाँ पर जो होता है RH इनकैप
इनफेलिबिलिटी होता है, ठीक है, और इसी के कारण से हमारे दो डिजीज होते हैं। उन डिजीज को हम लोग जनरली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटासिस या फिर क्या कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, इसे कहा जाता है HDN भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मदर का ब्लड था वो RH नेगेटिव था, जबकि जो बेबी का था RH पॉजिटिव था। तो अगर हम लोग चलते हैं फिटस स्टेज में, अगर डेवलपमेंट को देखें तो वहाँ पर एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। इसको क्या काम होता है, जितने भी न्यूट्रिएशन प्रोसेस को फॉलो करता है, जैसे न्यूट्रिएशन को देना बच्चे को और साथ ही साथ जो एक्सक्रेट करता है उसके थ्रू बाहर निकालना भी प्लेसेंटा को काम करता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो प्लेसेंटा है न्यूट्रिएशनल ट्यूब की तरह काम कर रहा है, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज या एक्सपोर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यह जो है बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों में प्लेसेंटा जो होते हैं उसके अगल बगल बहुत सारे ही ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और उसके पास में भी जो ब्लड होता है दोनों का, जो बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड होता है, वो जो फ्लो करता है यहाँ पर सेपरेटली फ्लो करता है, यहाँ पर मिक्स नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है तो उसके बाद क्या होता है, जो मदर का ब्लड होता है और चाइल्ड का ब्लड होता है आपस में मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, नर्स या डॉक्टर एनुमेरिकल कोड को कट करता है तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो दोनों में आपस में मिस हो सकता है, ठीक है। अब कैसे हम लोग बात करते हैं एनुमेरिकल कोड क्या होता है, एक बहुत सारे ही ब्लड ग्रुप का, ब्लड वेसल्स का ग्रुप होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है न्यूट्रिएशन को और ब्लड को, ठीक है, जो एक इंटरलिंक भी हम लोग कह सकते हैं मदर और बेबी के बीच में, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये कोड को कट किया गया उसके बाद जो मदर का नेगेटिव और बेबी का पॉजिटिव आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और मदर के लिए जो पॉजिटिव था वो तो एक एंटीजन की तरह एक्ट करेगा, एंटीजन अगर है तो वो फॉरेन पार्टिकल है, जैसे ही एक्ट करेगा तो मदर क्या चाहे एंटीबॉडीज बनाती, उसका नाम क्या है IgM नाम है, जो कि सबसे बड़ा एंटीबॉडीज है, ठीक है, और जो प्लेसेंटा होता है उसे क्रॉस नहीं कर पाती है। जैसे ही क्रॉस नहीं कर पाती तो जो बेबी होता है फिटस में उसमें आपस में रिएक्शन नहीं हो पाता है ब्लड का और एंटीबॉडीज का। जब ब्लड और एंटीबॉडीज का रिएक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर कोई भी ब्लड क्लोटिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यही कारण है कि जो हमारा फर्स्ट बेबी होता है, ठीक है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी होता है वो नॉर्मल होता है, कोई भी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर सेकंड केस की हम बात करें तो सेम प्रोसेस होता है पूरा, सेम माइनस का आना प्लस का जाना, आपस में फ्यूजन होना और एंटीबॉडीज का बनना, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज दूसरा बनता है, ठीक है। यहाँ पर IgG नाम की एंटीबॉडीज बनाती है मदर, और वो क्या होता है बहुत ही छोटा होता है, इसी कारण से प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, और जैसे ही प्लेसेंटा को क्रॉस करता है तो वो फिटस में जाके रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट होगा, साथ ही साथ यहाँ पर अमेनिया होगा, अमेनिया जब ब्लड को ख़त्म होने लगता है तो होता है, ठीक है, और बाइल पिगमेंट बनती है जो कि जनरली एकदम टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, और जैसे ही पूरे बॉडी में फैल जाता है तो क्या होता है, जो बेबी का ब्लड होता है वो पूरा ही टॉक्सिक हो जाता है। जैसे ही टॉक्सिक हो जाता है तो वो ऑक्सीजन या कुछ भी हम लोग ऐसे कर लें तो वो क्या होता है मरने लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक जॉन्डिस भी होता है, ठीक है, और जैसे ही ये सब आपस में एक्ट्रैक्ट और रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है, जो बेबी होता है वो मर जाता है, ठीक है। और एक केस हमेशा देखने को मिलती है, अगर वह बात करें आप फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ जितने भी प्रेगनेंसी होते हैं फर्स्ट के बाद, वो क्या होता है सभी जो बच्चा जन्म लेता है स्टिल डेड लेता है, मरे हुए लेता है, वो मैंने आपको कारण बताया। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर साइंस है तो क्या इसे पॉसिबल नहीं है इसे बचाना, तो जी हाँ इसको पॉसिबल है, आप इसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बचाने के लिए क्या है, एक वैक्सीन है जिसे हम लोग रोगन वैक्सीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे ये दिया जाता है तो ये क्या करता है, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, जैसे ही बैरियर की तरह एक्ट करेगा तो IgG जो एंटीबॉडीज था वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, फिर से जब क्रॉस नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, जब रिएक्शन नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा तो RBC टूटेगा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो क्या होता है बेबी फिर से नॉर्मल होता है, जिस फर्स्ट स्टेज में हो रहा था वही फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, जो एंटीबॉडीज था इतना बड़ा था कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, सेकेंड में क्या इतना छोटा था कि फास्टली इजिली प्लेसेंटा को क्रॉस करके रिएक्शन कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसे बचाने के लिए एक वैक्सीन दिया गया,
वो वैक्सीन क्या कर रहा है, एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है जो कि एंटीबॉडीज को क्या कर रहा है, पार ही नहीं होने दे रहा है। जब पार ही नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, जब रिएक्शन नहीं होगा तो क्या बेबी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, और हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न के बारे में। ठीक है, तो कैसा लगा?